हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने पूरा क्लीन सेव कर लिया है, क्योंकि आज मनसा पूजा है। मनसा पूजा का उपवास है, मैं अभी उपवास रख रहा हूँ, यह फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। आज मनसा पूजा का उपवास है तो क्लीन सेव कराना ज़रूरी है, हर कोई करता है जो जो उपवास रखते हैं। फिलहाल मेरे क्लीन सेव को छोड़िए और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ख़ास चीज़ जो आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। आज मनसा पूजा है तो एक विशेष प्रकार का पिट्ठा या पुआ बनता है, जो कि मिक्सी में उसका चावल नहीं पीसा जाता है, सिर्फ ढेकी में ही पीसा जाता है। ढेकी आपको सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ढेकी कैसा होता है और उसमें चावल कैसे पीसा जाता है, वो प्रसाद में चढ़ेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो ये रहा अपना ढेकी, इसमें चावल कैसे पीसा जा रहा है आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ आपको गांव में ही देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको गांव का अनुभव होना चाहिए। आइए कभी मेरे गांव और ये सब चीज़ों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चावल पीस के तैयार हो गया है, अभी एक ख़ास प्रकार का पिट्ठा या पुआ, आप जो बोलिए, पिट्ठा बनेगा। इसका नाम हम लोग में बांग्ला में, हम लोग के बांग्ला में इसको आड़सा पिट्ठा बोलते हैं। ये मम्मी अभी बना रही है, ये प्रसाद में चढ़ेगा। पहले गुड़ का चाशनी को बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत अच्छे से पकाया गया है, उसके ऊपर ये चावल का जो आटा है वो मिलाया जा रहा है, इसका एक सही तरीका से, ताकि पिट्ठा बन जाए, पूरा ढीला या पूरा टाइट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बन रहा है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि ये जो पुआ बनेगा वो एक चूल्हा में बनेगा, गैस स्टोव या इंडक्शन में ये सब बनाना सही नहीं है। पूजा का जो भी चीज़ बनता है हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा में ही बनता है। ये देखिए चूल्हा भी है। ये बन के तैयार है पिट्ठा, अब ये प्रसाद में चढ़ेगा।